नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का टॉप अनाज मंडी में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, नरमा कपास के भाव में आवकों का दबाव, तेजी या मंदी, पूरी जानकारी दें उससे पहले थोड़ा सा समय निकलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके सामने बेल आइकन की घंटी है, उसे भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हमारे और किसान भाई हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे। किसान भाइयों, देश भर की कपास उत्पादक मंडियों में आवकों में हल्का सुधार आने लगा है। देश भर में दैनिक आवक 52 से 53 हज़ार गांठों की आवक हुई है। अभी भी आवकें काफ़ी कम हैं, लेकिन आगे मांग भी नहीं है, इसलिए भाव पर दबाव है। मध्य प्रदेश में जिनर्स की हड़ताल चल रही है, जिससे मांग और कमज़ोर हुई है। गुजरात में 20 हज़ार गांठों की आवक के साथ भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल तक कमज़ोर हो गए हैं। यहाँ 1350 से 1750 रुपये प्रति 20 किलो का भाव दर्ज किया गया है, जो पिछले सप्ताह 1400 रुपये तक था। यहाँ रेडी और रुई के भाव भी बड़ी गिरावट आई है और 71,500 वाला भाव टूटकर 68,500 पर आ गया है। मध्य प्रदेश में रेडी रुई का भाव 71,000 रुपये बोला गया है। महाराष्ट्र में कुल 4,000 गांठों की आवक हुई है और कपास का भाव 500 रुपये टूटकर 8,500 रुपये अधिकतम रहा है। उत्तर भारत की मंडियों में नरमा का भाव 8,400 से 8,800 रुपये बोला जाने लगा है। आदमपुर मंडी में नरमा का भाव 8,790 रुपये और एलनाबाद में 8,629 रुपये बोला गया है। देश भर की मंडियों में आवक के बढ़ने की संभावनाएं हैं और भाव में अभी फिलहाल थोड़ा सा गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सामने बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहे।